दोस्तों मैं हूं हंस और आज बात करेंगे किसी भी महिला द्वारा छेड़छाड़ी का झूठा आरोप लगाना कैसे उससे समाधान पा सकते हो। जी हाँ दोस्तों, आज की डेट में आईपीसी 354 का काफ़ी मिसयूज हो रहा, आपने भी देखा होगा। हर कोई महिला किसी न किसी केस, जैसे 498 टाइप का कोई केस ले लो, डीवी केस ले लो, किसी भी 490 इस टाइप के केसेज में मेंशन किया जाता है 354 छेड़छाड़ी का आरोप। तो दोस्तों इससे बचने के लिए क्या सॉल्यूशन होता है, इस वीडियो में मैं परफेक्टली आपको सॉल्यूशन दूंगा। तो चलिए दोस्तों, नो टाइम पास, नो बकवास, सीधा करते काम की बात। मैं हूँ हंस। सेकंड बात दोस्तों, कमेंट में नंबर ना छोड़े, अगर आप मुझसे ही बात करना चाहते हैं, डिस्कशन पूरी डिटेल होती है, अपॉइंटमेंट लेके बात कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, 2012 में जब निर्भया केस हुआ था, उसके बाद महिलाओं पे अत्याचार बढ़े थे, तो अमेंडमेंट किया गया था कुछ सेक्शन में। 354 पहले एक सेक्शन था जिसमें 2 साल की सज़ा और बेलेबल ऑफेंस था, लेकिन उसमें अमेंडमेंट किया गया, उसके 4 पार्ट और बनाया गया, 354, 354 ए, 354 बी, 354 सी, 354 डी। मैं बात करूँगा एक एक पार्ट की, आपको एक एक पार्ट को पूरा क्लियर करता चलूँगा। 300 सबसे पहले मैं आपको बात करता हूँ जो मैक्सिमम यूज की जाती है आपके केसेज में, 354 छेड़छाड़ी का आरोप। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन मैं आपको समझा देता हूँ, किसी भी महिला के साथ कोई बलात्कार करने की कोशिश कर रहा है या उस पर कोई किसी भी तरह से लज्जा भंग करने का क्रिमिनल हमला कर रहा है, किसी भी तरह से मतलब कोशिश कर रहा है किसी तरह से उसके प्राइवेट को, अंगों को टच करना या एक उसे एक तरह से साजिश करना, उनके साथ रेप करना, इस तरह की साजिश है, क्रिमिनल हमला कर रहा है, उकसा रहा उसको इस तरह से, या कहीं से ऐसी जगह से टच कर रहे हैं जिससे महिला की कहते हैं ना एक लज्जा भंग होती है, उस सिचुएशन में आईपीसी 354 का मुकदमा होता है, जिसमें 1 साल से सजा लेके 5 साल की सजा का प्रावधान दिया गया है। अब मान लीजिए दोस्तों, आपके साथ कोई महिला है जो झूठा छेड़छाड़ी का आरोप कर रही है, तो उस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहला स्टेप होता है कि जब भी ऐसा कोई क्राइम घट रहा है आपके साथ, उसने जो क्राइम घटने की सिचुएशन बताए रखी है या आप पे कोई इस तरह का हमला कर रही है महिला, तो सबसे पहले 354 छेड़छाड़ी में महिला अपने खुद के कपड़े फाड़ेगी, उसके बाद आप पे खुद पे हमला करती है। ठीक है दोस्तों, 354 की सिचुएशन में आपको सबसे पहले अपना स्मार्टफोन निकाल के कैमरा बनाना चाहिए उस सिचुएशन का। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि उस कैमरे में आपको ये साबित करना है कि हमला आगे से महिला कर रही है, आपने किसी भी तरह की छेड़छाड़ी नहीं की है। आसपास के आपके मोहल्ले से कोई भी फ्रेंड सर्किल है, आपके अड़ोसी पड़ोसी, उनको बुलाया जाए। अगर महिला 112 पे कॉल करके पुलिस को बुला रही है, तो आपको भी 112 पे कॉल करना चाहिए, आपकी भी कंप्लेंट दर्ज कराना चाहिए। साथ में इंडिपेंडेंट विटनेस को भी आपको बुलाना चाहिए, इन्वाइट करना चाहिए अड़ोसी पड़ोसी को, देखिए महिला किस तरह से आरोप लगा रही है जो कि पूरी तरह से झूठे हैं। इन सब को आपको रिकॉर्ड करना चाहिए। आपके घर में सीसीटीवी कैमरा है, हो सकता है वॉइस रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन लड़की जो महिला है जो आप पे छेड़छाड़ी कर रही है, हमला कर रही है, कपड़े फाड़ रही है, इस तरह के अगर आप वीडियो बना पाते हो, एक एविडेंस बना पाओगे, तो आप बाइज्जत को पुलिस भी उस पर क्लोजर रिपोर्ट लगा सकती है, नहीं तो बाइज्जत कोर्ट से तो आप फ्री हो जाते हो। जी हाँ दोस्तों, इसमें पुलिस के पास पावर नहीं होता कि इसमें पुलिस आपको बेल दे दे, आपको हाई कोर्ट से ही इसमें बेल लेना पड़ता है अगर आपको बेल लेनी होती है तो। और इसकी सज़ा होती है जो 1 साल से लेकर 5 साल तक की है, कम से कम आपको एक सज़ा का प्रावधान है। लेकिन सिचुएशन ये होती है कि इस क्राइम में आपको एविडेंस बनाना ज़रूरी होता है। अब कई बार ये सवाल भी आता है कि सर महिला के पास कोई सबूत ही नहीं तो फिर क्या होगा। देखिए, जब सबूत नहीं होता, पुलिस आरोपी से चलती है, पुलिस आपको एक्सेप्ट कर सकती है, लेकिन कोर्ट में सबूत ज़रूरी होता है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, सबूत देना ही पड़ेगा महिला को अगर उसके साथ छेड़छाड़ी हुई तो, बिना सबूत के उसका केस ऐसे ही खारिज हो जाएगा। लेकिन सिचुएशन आपको पहले से एडवांस रहना चाहिए कि अरे ऐसी कोई घटना कर रही है, कोई महिला है आपकी रिलेटिव में, जैसे पिताजी पे लगा रहे हैं, भाई पे, कोई पे लगा रहे हैं, जो कभी कभी जब जो हमला इस टाइप की जो आतंकवाद फैलाती है घर पे, उस टाइम पे आप उसका रिकॉर्ड ज़रूर कीजिए, सबूत के तौर पे आप पे काम आएगा वो चीज़, क्योंकि आप पे जो बर्डन ऑफ प्रूफ का भार होता है कोर्ट में लड़की पर ही होता है, लेकिन आपको भी काफ़ी कुछ सफाई देनी पड़ती है जब ऐसे सेक्शन लग जाते हैं। तो दोस्तों, जब भी 354 आप पे मुकदमा होता है, तो आपको सबसे पहले एक स्मार्टफोन से उसका कैमरा बनाइए, घटनास्थल पर कितने लोग थे सबके आप उनका कैमरे में रिकॉर्ड कीजिए, इंडिपेंडेंट विटनेस को, लोगों को बुलाइए, सबको बताइए कि वाकई किस तरह का आरोप मुझ पर लगा रही है। ये चीज़ें आपको कैमरा में पेश करना पड़ेगा और इंडिपेंडेंट विटनेस आपको तैयार करने पड़ेंगे, क्योंकि गलत आप नहीं हो। महिला एक्चुअली क्या होता है ना कि कई महिलाओं के साथ होता है अभी है, लेकिन कई महिलाएं इसका मिसयूज करती है, तो उन महिलाओं के बचने के लिए आपको ये सॉर्ट आउट तरीका अपनाना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको एविडेंस तो इकट्ठे करने ही पड़ेंगे, तब जाके आपको सॉर्ट आउट मिलेगा। अदरवाइज बिना सबूत के महिला लगाए तो कोर्ट में जाके निश्चित है कि वो खारिज होना वाला ही है। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा आईपीसी 354 के बारे में, 354 जो छेड़छाड़ी का आरोप लगाती है आप पे, उसमें
आपको ये कुछ सावधानियां बरतनी पड़ेगी। अगली बारी में बताऊंगा किसी भी महिला के साथ वाकई छेड़छाड़ी होती तो महिला क्या करनी चाहिए, पार्ट महिला के लिए भी आएगा अगला पार्ट, अगर वाकई महिला के साथ कोई छेड़छाड़ी करता है तो महिला क्या क्या सावधानी बरती है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद।